हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एचपी का स्कैन जेट इंटरप्राइज फ्लो N6600 FNW1 स्कैनर को अनबॉक्स करूंगा और इसका अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं इसमें ये एक एडाप्टर निकला है जो इस स्कैनर के साथ एक यूएसबी केबल निकली है और एक ये पावर केबल है। आप ये स्कैनर देख सकते हैं, ये A4 एंड लीगल साइज का स्कैनर है। ये ADF के साथ है। आप देख सकते हैं इसमें जो डिस्प्ले है वो टच डिस्प्ले है। इसको ऑपरेशनल करने के लिए ये इसका बैक है। इसमें यूएसबी के पोर्ट, लैन पोर्ट और पावर का पिन का अडेप्टर का पोर्ट दिया हुआ है। ये आपको मैं एक एक चीज़ को खोल कर दिखाऊंगा। यहाँ पर ADF के जो टेप लगी होती है ये सब हटानी होती है जिससे ये ऑपरेशनल हो सके। दोस्तों, इसमें आप A4 साइज़ का यूज़ कर सकते हैं ADF से भी और फ्लैट वेट से भी, और साथ के साथ लीगल साइज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे फीचर हैं और ये बहुत ही हाई स्पीड स्कैनर है। इसके अंदर आप ADF हो में आप 600 DPI पर स्कैनिंग कर सकते हैं और इसमें 50 पेपर पर मिनट की स्पीड है। और इसमें ईथरनेट का ऑप्शन दिया है, USB 3.0 स्पीड का ऑप्शन दिया है, वाईफाई है और लैन का भी इसमें ऑप्शन दिया है। आप लैन के थ्रू भी इसमें स्कैनिंग कर सकते हैं। और ये इसकी जो डेली ड्यूटी साइकिल है वो 8,000 पेज पर डे की है ADF में। तो इस तरीके से आप अगर ये अपने ऑफिस के लिए स्कैनर को लेते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। फ्रंट में आप देख सकते हैं इसका लोगो और इसका मॉडल दिया हुआ है। ये फ्लैट वेट का फोटो है और इसकी जो स्पीड है वो वाकई बहुत तेज स्पीड है। आप इसमें हाई स्पीड स्कैनिंग लेना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को तो आप इसमें कर सकते हैं। साथ के साथ फ्लैट वेट का जो साइज है वो भी A4 और लीगल दोनों साइज रख सकते हैं। ये इसका डिस्प्ले है और पावर बटन को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा। विद इन 1 मिनट में ये ऑन होने के बाद, फर्स्ट टाइम ऑन करने के बाद इसकी हम लैंग्वेज सेटिंग सेट करेंगे और ऑन होने के बाद इसमें आप अपने अकॉर्डिंग सिस्टम यहाँ से भी स्कैन डिस्प्ले से भी स्कैनिंग कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मेल के थ्रू भी डायरेक्ट स्कैन करके भेज सकते हैं, USB में भी सेव कर सकते हैं। इसमें बैक साइड में एक USB का पोर्ट है, इसमें आप पेन ड्राइव लगा के डायरेक्ट डॉक्यूमेंट को स्कैन करके सेव कर सकते हैं और यहीं से ही आप कंप्यूटर में भी कमांड दे सकते हैं स्कैनिंग की। तो इसमें बहुत सारे अच्छे फीचर हैं और इसकी जो स्कैनिंग क्वालिटी है बहुत ही हाई क्वालिटी है। तो अगर आप ये अपने ऑफिस के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसकी जो कीमत है लगभग 90,000 रुपीज़ की है और इससे अच्छा प्रिंटर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा अगर आप इंटरप्राइजेस स्कैनिंग वाला स्कैनर लेना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसको चाहे ADF के थ्रू करें चाहे फ्लैट बेड की तरह यूज करें तो दोनों में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू।